गाड़ियां यहां पे खड़ी होती है जो कि आपको मिल जाएगा। अच्छा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा जल की धारा काफ़ी तेज है आज और जल काफ़ी ज़्यादा मटमैली भी है, काफ़ी ज़्यादा रेत मिट्टी बालू देखने को मिल रहे हैं। इससे बाहर निकलेंगे तो होटल आपको मिल जाएंगे, धर्मशाला मिल जाएंगे, लॉज मिल जाएंगे, दिख रहे हैं यहाँ पे लॉज भी है, सारी सुविधा मिल जाएंगे। नीचे वैसे ही है, गंगा दर्शन है, काफ़ी सारे होटल है यहाँ पे, होटल ओशो है और कुछ होटल धर्मशाला की वीडियो आपको भी मिल जाएंगी नंबर के साथ, तो आप उसमें भी कॉल करके पता कर सकते हैं। देख रहे हैं गहरे जल पे जाके किस तरह से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करा रहे हैं, तो एक हिसाब से कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो जाती है, या ये लोग भी वही करवा रहे हैं, वीडियो फोटोग्राफी करवा रहे हैं। हाय दोस्तों, हर गंगे नमामि गंगे, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जल की धारा कितनी तेज है और आज हम खड़े हुए हैं सबसे ज्यादा जहाँ पे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, मालवी घाट देख रहे हैं। मालवी घाट है, भीड़ भी यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बाकी घाटों के तुलना में, क्योंकि यहाँ पे हमारे माता और बहनों के लिए जो सुविधा है वो सबसे ज्यादा है। देख रहे हैं क्रम सा काफी सारे चमकते हुए स्टील का फूल नजर आ रहे होंगे, ये चेंजिंग रूम है और घाटों पे भीड़ आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा है, सारे घाट फुल है। केवल हर की पैड़ी ही आपको नहीं है, जब आप ऋषिकेश बाईपास से एंट्री करते हैं गौ घाट विष्णु घाट, सारे घाटों पे आपको भीड़ देखने को मिलने वाला है। सुबह के अगर हम टाइम की बात कहें तो आप देख रहे हैं 7:30 हुए हैं और देख रहे हैं काफी तेज धूप सुबह ही लगना शुरू हो चुका है। तो जब भी आप हरिद्वार आते हैं तो वीडियो को जरूर देखिए पूरा, और हम आपको होटल धर्मशाला के नंबर और साथ में जब आप आते हैं हर की पैड़ी तो आने का बिल्कुल सही समय बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे तेज धूप होता है, अगर आपके साथ बच्चे हैं बुजुर्ग हैं तो तेज धूप से आपको परेशानी भी हो सकती है और मार्केट का जो रास्ता है बंद हो जाता है तो आपको पैदल भी चलना पड़ सकता है, जाम का भी दृश्य देखने को मिलता है। तो सारे छोटी छोटी जानकारी है जो कि हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देख रहे हैं ये है हर की पैड़ी, जहाँ पे आप सब आते हैं गंगा जी में आशीर्वाद डुबकी लगा के आशीर्वाद लेते हैं, ब्रह्मकुंड के एरिया यही है और जहाँ पे भीड़ सबसे ज़्यादा स्नान करने के लिए होती है, और कुछ लोग इस तरह की जो स्नान है देख रहे हैं गहरे जल में कमर से ऊपर जल है और यहाँ पे आके स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं, और देख रहे हैं किस धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा जल की धारा काफ़ी तेज है आज और जल काफ़ी ज़्यादा मटमैली भी है, काफ़ी ज़्यादा रेत मिट्टी बालू देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद जल की धारा में कलर पे दोनों में ही काफ़ी परिवर्तित देखने को मिलता है, कलर मटमैली हो जाती है, जल की धारा तेज हो जाते हैं। ये जो टावर है ये 20 मीटर है देख रहे हैं ऊंचाई, और काफी दूर से दिखाई देता है, कितनी सुंदर दृश्य दिखाई देता है देख रहे हैं यहाँ से मंदिर, और गंगा के बहती जल की धारा और लोगों की संख्या स्नान करते हुए दिख रहे हैं, काफी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। माँ गंगा की पालकी यहाँ पे आती है और फिर आरती की शुभारंभ होता है और आरती को दर्शन करने के लिए लोगों की संख्या यहाँ पे लाखों में होती है, हजारों में होती है, और खासतौर पर आरती के लिए यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक भीड़ होता है और दूसरा किनारे भी उसी तरह से भीड़ होता है। इस किनारे पे काफ़ी अच्छा दर्शन होते हैं गंगा जी की आरती के, यहाँ पे घंटों पहले ही लोग बैठ जाते हैं क्योंकि सबसे अच्छा दर्शन यहीं से होते हैं, और आरती का समय 7 है, और किसी भी मौसम में आए तो आपको सूर्यास्त का समय याद रखना है, सूर्यास्त का समय ही आरती का समय होता है, और सूर्यास्त से 2-3 घंटे पहले आप यहाँ पे आके बैठ जाइएगा तो आपको आरती के दर्शन काफ़ी अच्छे से होंगे। ऐसे लोग 2-3 घंटे पहले आके बैठ जाते हैं जिन्हें पता होता है कि कहाँ पे बैठना है, आरती के दर्शन हमें कैसे करने हैं, वो पहले ही आके बैठ जाते हैं। अब हम चल रहे हैं ऊपर की ओर,
ये वाला जो ब्रिज है धनुष सेतु है, और इस ब्रिज से होके हम सीधे जाएंगे, देख रहे हैं उधर ऋषिकेश बाईपास की ओर जा सकते हैं। ये वाली जो ब्रिज है ये सीधे संजय सेतु को आगे की ओर जोड़ती है, जो कि सीधा अपर रोड मनसा देवी स्टेशन बस स्टेशन की ओर जाता है। ये आप देख रहे हैं हर की पैड़ी का दृश्य, पूरे घाट है, लोगों की संख्या यहाँ पे स्नान कर रही है। ये है नई घाट, और नई घाट में यहाँ पे अस्थि विसर्जन की विधि ही किया जाता है, मुंडन की विधि ही किया जाता है, इसके वजह से यहाँ पे भीड़ थोड़ा से 8-9 बजे के बाद देखने को मिलता है। अभी तो सबसे 7:30 हो चुके हैं और देख रहे श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा है। और दूसरा किनारा आप देखेंगे ये वाली घाट भरा ही हुआ है, और सामने आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा ये है सुभाष घाट। सुभाष घाट में आपको रहने के लिए होटल, धर्मशाला और साथ में खाने पीने के भी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, अच्छा घाट है वो, आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। थोड़ी महंगा मिलेगा, गंगा घाट के आसपास जो रूम होते हैं थोड़ी महंगा मिलते हैं, जैसे कि यहाँ से 3-4 होटल और धर्मशाला हम यहीं से दिखा दें। ये होटल गंगा दर्शन है, आरती दर्शन देख रहे हैं उधर, वैसे ही है गंगा दर्शन है, काफ़ी सारे होटल है यहाँ पे, होटल ओशो है, और कुछ होटल धर्मशाला की वीडियो आपको भी मिल जाएंगी नंबर के साथ, तो आप उसमें भी कॉल करके पता कर सकते हैं। और वो हर की पैड़ी के पास ही है, तो देख रहे हैं ये जो होटल गंगा दर्शन है वहीं पे ही वो, तो आप आराम से आ सकते हैं और वहाँ पे स्टे कर सकते हैं फैमिली के साथ। भारी संख्या में लोग अभी भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, और ये पूरे दिन ये सिलसिला चलते रहेगा। और जब भी आप आते हैं तो गाड़ी, अगर आप पैदल आ रहे हैं, आपके साथ बाइक या फोर व्हीलर है, तो आपको फोर व्हीलर वाले को खास तौर पर अपर रोड पे रूम नहीं मिल पाती, रूम तो मिल जाएगा लेकिन कार पार्किंग का दिक्कत होता है उन्हें, तो वो पंजी पार्किंग या फिर वो स्टे करते हैं वो भीमगोड़ा पे, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा मिल जाता है। देख रहे हैं ये है प्रमुख द्वार प्रवेश करने का, जूता स्टॉल में भीड़ देख रहे हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मार्केट का दृश्य दिखाएंगे, मोती बाजार देख रहे हैं, ये बैरागी पार्किंग, सतीदीप, लक्षद्वीप पार्किंग सब इधर ही है, और रेलवे स्टेशन बस स्टेशन की जा रहा है, जो कि हम अभी आपको लेके जाएंगे रेलवे स्टेशन बस स्टेशन की ओर। ये है मोती बाजार जाने का मार्ग, भीड़ आप देख रहे हैं सुबह सुबह ही, ये सीधा जा रहा है अपर रोड बस स्टेशन की ओर, और ये है ब्रह्मकुंड की ओर जाने का मार्ग। गाड़ियां यहां पे खड़ी होती है जो कि आपको मिल जाएगा, आप हम पता करेंगे हर की पैड़ी से रेलवे स्टेशन बस स्टेशन का किराया कितने, ये देख रहे हैं 20 रुपए लेंगे हम इसमें बैठेंगे, अभी आज हम ई रिक्शा से चलेंगे, देख रहे हैं ई रिक्शा स्टेशन। जैसे ही आप घाट से बाहर निकलेंगे तो होटल आपको मिल जाएंगे, धर्मशाला मिल जाएंगे, लॉज मिल जाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे लॉज भी है, सारी सुविधा मिल जाएंगे, नीचे आपको खाने पीने की अच्छी सुविधा मिलेगा, ऊपर रहने की सुविधा, और फिर शॉपिंग की सुविधा भी आपको मिल जाएगा। ये सारा दृश्य आप घाट के पास का ही देख रहे हैं, सामने घाट है, एंट्री द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा, गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही होगी, सारी सुविधा यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे सुविधा लेना है तो आपको हमने पहले बता दिया, 9 बजे से पहले आएंगे तो आपको ये गाड़ियाँ आपको आते जाते दिखाई दे रही है, ये आपको नजर आएंगी, वही से मिलते हैं ना क्या रोगे? ये हम आ चुके हैं हर की पैड़ी के पास स्थित धर्मशाला सुख नारायण भवन, देख रहे हैं काफ़ी अच्छी है, हर की पैड़ी के पास आपको सही दाम पे मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आप हर की पैड़ी के पास धर्मशाला बताइए, तो धर्मशाला में देखा ये होटल, आप देखें नंबर है, आप पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबर आप इसमें भी देख सकते हैं।